पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने रीवा में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं ने साइकिल से भ्रमण किया और डीजल और पेट्रोल के दामों को कम करने के लिए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि अंग्रेजों की भांति लोगों से लगान वसूली जा रही है। देश में इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, परंतु सरकार को इसकी कोई चिंता ही नहीं है और हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। रीवा में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने शहर भर में साइकिल यात्रा की। कुछ कांग्रेसी नेता साइकिल से सफर करते रहे तो कुछ ने पैदल ही विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने विरोध जाहिर करते हुए सरकार पर अंग्रेजों की भांति लगान वसूलने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा, समूचे विश्व में कच्चे तेल की कीमत घटी है, जिसके कारण अन्य देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम है, मगर यहाँ पर सरकार के द्वारा कोरोना काल में लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब ने शांतिपूर्वक और कम भीड़ भाड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और मास्क का उपयोग करते हुए हमने आज ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के लिए साइकिल चला करके विरोध किया है। आपको मालूम है प्रदेशव्यापी आंदोलन हमारा चल रहा है। मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप सब 2013 में जाएं और जा करके नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुने। पेट्रोल की कीमत और डॉलर वैल्यू, इसके ऊपर वो सबसे ज्यादा चिल्लाते थे कि नहीं चिल्लाते थे? सही बात। और उस वक्त पेट्रोल $147 पर बैरल था, आज पेट्रोल 35, 30, 25 अलग अलग मार्केटों में है। इस स्थिति में पेट्रोल को आम जनता को 20 से 25 रुपए के बीच में पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है? आज मध्य प्रदेश में 81 रुपए डीजल है और 90 रुपए पेट्रोल है। नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और मैं तो इसको ये बोलूंगा कि कोरोना में जिस तरह से अंग्रेज लगान लिया करते थे क्योंकि उनके अंडर में था, कंट्रोल में थी खेती, उस तरह पेट्रोल और डीजल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कंट्रोल में है। ये कोरोना के समय जिस तरह अंग्रेज प्रताड़ित गरीबों को मारते थे कोड़ों से, ये पेट्रोल और डीजल के कोड़ों से मार रहे हैं जनता को। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।